गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। इसमें दो बातों को मैंने कल बता दिया था और आज उसका तीसरा, चौथा, पांचवा और उसके आगे की बातों को बताने जा रहा हूँ। इसमें तीसरा में है कर्तृवाच्य के सकारात्मक वाक्यों में इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सक का प्रयोग किया जाता है, जैसे वे पुस्तकें पढ़ सकते हैं। तो वे पुस्तकें पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर सक क्रिया का प्रयोग किया गया है। गीता मिठाई बना सकती है, इसमें भी सक का प्रयोग किया गया है। का चौथा है कि इसी तरह असामर्थ्यता सूचक वाक्यों में सक का प्रयोग होता है, जैसे मैं यह नौकरी नहीं कर सकता, वह दुकान नहीं चला सकता। अब है कर्तृवाच्य के निषेधात्मक वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में रूपांतरित किया जा सकता है। अब इसका छठा और आगे का मैं लिख रहा हूँ। छठा है कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया में प्लस जा रूप लगाकर किया जाता है, जैसे सोया जाता है, खाया जाता है, जैसे वाक्य बनते हैं। लेकिन कुछ व्युत्पन्न आक्रमक क्रियाओं का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है, जैसे श्रमिक पेड़ नहीं काट रहे, यहाँ पर है ना कर्मवाच्य में इसका प्रयोग हुआ है। इसमें इसका जब कर्म इसका आगे बनाते हैं तो होता है कि श्रमिक से पेड़ नहीं काटा जाता, श्रमिक से पेड़ नहीं कट रहा, यहाँ पर कर्मवाच्य में इसका प्रयोग हुआ है। हलवाई मिठाई नहीं बना रहा, इसमें जब कर्मवाच्य में बदले हैं तो कह रहा है कि हलवाई से मिठाई नहीं बनाई जा रही या हलवाई से मिठाई नहीं बन रही। नहीं, इस प्रकार जो है कि इसमें कुछ आगे भी है जिसको मैं आगे लिखूंगा। इसका सातवां है हिंदी में कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यों में प्रायः कर्ता का लोप कर दिया जाता है, जैसे पेड़ नहीं काटा जा रहा है, इसमें भी पेड़ नहीं काटा जा रहा में कर्ता का लोप हो गया है, पेड़ नहीं कट रहा इसमें भी कर्ता का लोप हो गया है, कपड़े नहीं धुल रहे इसमें भी कर्ता का लोप हो गया है। अठवा है हिंदी में क्रिया का प्रयोग, हिंदी में क्रिया का एक ऐसा भी रूप है जो कर्मवाच्य की तरह प्रयुक्त होता है, वह है सकर्मक क्रिया से बना उसका अकर्मक रूप, जिसे व्युत्पन्न अकर्मक कहते हैं, जैसे गिलास टूट गया, इसमें तोड़ना से टूटना रूप बना हुआ है। हवा से दरवाजा खुल गया, यहाँ खोलना से खुलना रूप बना हुआ है। इसका नौवां है कि भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है, जैसे सीता से बैठा नहीं जाता, सीता स्त्रीलिंग है उसके अनुसार क्रिया नहीं हुई है, इसमें इसकी क्रिया जो है हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है, इसमें भी अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में हो गई है। दसवां है कुछ व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है, जैसे मजदूर पेड़ नहीं काट रहे, अब इसको कर्मवाच्य में बताए हैं मजदूरों से पेड़ नहीं काटे जाते या मजदूरों से पेड़ नहीं कट रहे। अब आपका जो है कि वाच्य आज समाप्त हो गया, अब अगले रोज अगला टॉपिक।